नमस्कार, मैं सचिन राठौर, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। ऋषिकेश में शरद पूर्णिमा पर मधुबन आश्रम ने भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित की। कैबिनेट मंत्री ने रथ का शुभारंभ किया और भगवान जगन्नाथ को भोग अर्पित किया। हजारों भक्तों ने रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। यात्रा मधुबन आश्रम से शुरू होकर त्रिवेणी घाट और गुरुद्वारा सिंह सभा तक गई, जहां भक्तों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। हमीरपुर में पत्नी ने पति की सोते समय संदिग्ध अवस्था में मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 3 दिन के अंदर केस का खुलासा किया, आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में दृष्टि बाधित विद्यालय के छात्रों ने अपने 3 शिक्षकों के ट्रांसफर के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पर बवाल किया। छात्रों ने DM से मिलने की मांग की, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में हंगामा किया। पुलिस ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने, हाथापाई पर उतर गए। छात्रों का आरोप है कि कुछ लोगों की मिले भगत से ट्रांसफर किया जा रहा है। झांसी में किन्नर महासभा के अखिल भारतीय सम्मेलन में किन्नरों की शोभा यात्रा निकाली गई। DJ पर थिरकते हुए किन्नर जीवन शाह मजार पहुंचे और चादर चढ़ाई। आयोजक लाडो किन्नर ने बताया कि विभिन्न राज्यों से किन्नर आए हैं और नकली किन्नरों पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। मजार पर देश की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। UP के कौशाम्बी जिले के करारी पुलिस ने चोरी की विद्युत तार, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए बरामद किया है। चोरी की तार के साथ पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद भी सभी का चालान कर दिया गया। तार चोर करने वाले गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, थाना कौशाम्बी में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें तार चोरी होने की बात बताई गई थी। इनकी लगातार तलाश दबिश की जा रही थी, जिसके क्रम में थाना करारी पुलिस टीम द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार करके वह एक बाल औपचारिक को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया था, जिनके पास से 2 गाड़ियां, एक छोटा हाथी व एक लोडर पिकअप और बिजली का तार, जिसका वजन तकरीबन 11 क्विंटल है और जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए है, बरामद किया गया है और इस पे विवेचना पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। कि ये लोग कहाँ जा रहे थे सर, इसको लेके? इसको बेचने की फिराक में थे, जिसको पुलिस द्वारा पकड़कर इस पे कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में खड़ी कार अचानक आग लगने से जलकर राख हो गई। कार का मालिक काम से गया था, तभी धुआं उठने लगा। दमकल की टीम ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया। अगर कार में कोई होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये घटना शहर कोतवाली के ASP पश्चिमी के आवास के पास की हुई है। उन्नाव पुलिस SOG टीम ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों मोहम्मद शोएब और फुरकान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 3 लाख के जाली नोट, प्रिंटर, मॉडम, मॉनिटर, अन्य उपकरण बरामद किए। कार्रवाई औसन थाना क्षेत्र के कटरा तरौना पुल के पास की है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए परफेक्ट प्लान बनाया गया है। IG RPF AK सिन्हा ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, अभिलेखों की जांच की। उन्होंने आगामी त्योहारों के दौरान सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए, विशेषकर ट्रेनों में पटाखों की रोकथाम पर ध्यान देने की बात की। RPF जवान 12 घंटे ड्यूटी करेंगे। पिलखुआ के कोतवाली के सामने एक अपाहिज व्यक्ति जो परचून की दुकान चलाता है, पुलिस सिपाही दीपक पर आरोप लगा रहा है कि वो अपनी गाड़ी दुकान के सामने खड़ी करता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। उन्होंने सिपाही से कई बार अनुरोध किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। कानपुर के नौबस्ता पश्चिम वार्ड 65 में महाराणा प्रताप रामलीला मैदान के रंगरोगन और सुंदरीकरण कार्य ठेकेदार के गायब होने से प्रभावित हुए, जबकि रामलीला मंचन होना था। क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है। रामलीला समिति के प्रवक्ता कुलदीप गुप्ता ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्षद योगेंद्र शर्मा ने ठेकेदार की लापरवाही बताया, चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। लगभग 30,000 लोग रामलीला देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चुनाव आयोग से सिसामऊ विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने की शिकायत की। सपा अध्यक्ष फजल महमूद ने आरोप लगाया कि पुलिस सत्तापक्ष के इशारे पर काम कर रही है, जिससे कार्यकर्ताओं में भय का माहौल है। विधायक मोहम्मद हसन रोमी ने पुलिस की कार्यशैली की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा कि कार्यकर्ताओं के परिवार का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही है। फर्रुखाबाद में खाद के लिए किसानों में मारामारी मची गई है। खाद पहुंचाने की सूचना पर हजारों किसान कृषि बाजार पहुंचे, जहां खाद लेने के लिए लंबी लाइन लगी। धक्का मुक्की हुई, खाद न मिलने से किसानों के आलू फसल लेट हो रही है। ये मामला बड़पुर ब्लॉक के सातनपुर मंडी स्थित कृषक सेवा केंद्र का है। कानपुर के नरवल तहसील के नरौरा गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जो चर्चा का विषय बन गई। मृतका के पिता ने पति सुधीर और ससुर कमलेश पर दहेज के लिए मारपीट करने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच के बाद मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया।
उन्नाव में अवैध आतिशबाजी के खिलाफ डीएम के आदेश पर छापेमारी की गई। एसडीएम एसएचओ ने मोरवा कस्बे में सचिन नाम के व्यक्ति से 8 से 10 क्विंटल अवैध आतिशबाजी जब्त की। प्रशासन ने आबादी के बीच अवैध भंडार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पूर्व एसडीएम अदित नारायण सेंगर और मोरवा इंस्पेक्टर चंद्रप्रकाश सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। उदयपुर जिले के बिजौरा विकासखंड के कुलपहाड़पुरवा में राशन सरकारी राशन की दुकान के नए कोटेदार के चयन की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व कोटेदार की मृत्यु के बाद महिला सहायता समूह के लिए कोटा तय हो रहा है। गांव के लोगों ने ब्लॉक अधिकारी से मिले वक्त का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की। चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। कानपुर में सीसावा विधानसभा के उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के 48 घंटे भीतर नामांकन का नजदीक दिन न है और इस अवसर पर डीसीपी पूर्वी शिव कुमार ने इंस्पेक्टर कोतवाली के साथ कचहरी परीक्षण का निरीक्षण किया। उन्होंने नामांकन स्थल पर प्रत्याशी समर्थकों के लिए सुरक्षा परिवेश और निकासी पॉइंट के निर्देश दिए हैं। चंदौली में दो समुदायों के बीच नाबदान की पानी निकासी को लेकर हुई हिंसा में 45 वर्षीय शाहिद अहमद की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने इलाके में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए एसपी सीओ पार्थालू की पुलिस फोर्स के साथ 2 प्लाटून पीएसी तैनात की है। मृतक के अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये घटना मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के चौहट ने बस्ती में हुई।